आज की इस वीडियो में आपको BTSC JEE की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिस आई है, उसके बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगा और एक केस के रिगार्डिंग क्या स्टेटस है उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिएगा जिनसे कि सभी कुछ आपको पता लगेगी। लेटेस्ट डेट में नोटिस है, सभी कुछ जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिए। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर से एक लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा जिनसे कि आने वाले जो भी सारी वैकेंसी आती रहती है इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेंगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप से जरूर से ज्वाइन होकर करिएगा, उसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन के पिन कमेंट में दिया है, वहां पर जो भी मैं वीडियो बनाता हूं जिसमें जो भी नोटिफिकेशन PDF मैं दिखाता हूं सभी टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देता हूं। तो वहां से ज्वाइन होकर के रहोगे तो सभी वहां पर आपको PDF नोटिफिकेशन सभी कुछ आपको मिल जाएंगे। देख सकते हैं ये पर्सनल ईमेल आईडी पर BTSC के द्वारा एक मेल यहां पर सेंड किया गया जिसमें एक डॉक्यूमेंट्स है उसके बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और डेट देख सकते हैं आज के डेट में 17 अक्टूबर 2023 12:01 PM मेल रिसीव हुआ है BTSC के द्वारा, तो इसके बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिए। देख सकते हैं यही वो नोटिस है जो आज के डेट में रिसीव हुई है, लेकिन इसमें जो डेट है 6/10/2023 का यहाँ पर दिया गया और इसमें ये पर्सनल ईमेल आईडी पर सेंड किया गया जो कि मैंने आपको बताया। इसमें बिहार तकनीकी सेवा आयोग विज्ञापन संख्या 1/2019 के संबंध में यहाँ पर दिया गया, ये निगरानी विभाग की तरफ से ये दिनांक ये जो लेटर सेंड किया गया था किसी के द्वारा तो उसका रिप्लाई यहाँ पर दिया गया और ये रिप्लाई पहले भी आया है, वही सेम चीज़ आपको यहाँ पर फिर से रिप्लाई दिया गया कि जो यहाँ पर दिया गया था कि 1/2019 कनीय अभियंता की जो वैकेंसी थी असैनिक यांत्रिक विद्युत उसकी नियुक्ति प्रक्रिया 25/1/2023 द्वारा उच्च स्तरीय बैठक में ये निर्णय लिया गया था 34/11/2022 में कि इस वैकेंसी को रद्द कर दिया गया था। उसके बाद इसमें माननीय उच्च न्यायालय पटना के उक्त न्यायाधीश के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में SLP संख्या ये दायर किया गया है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 24/7/2023 को पारित न्यायाधीश इस प्रकार है, इन द मीनवाइल द स्टेटस को एग्जिस्टिंग एज ऑन टुडे टू कंटिन्यू। तो ये इससे पहले भी जो BTSC के पास जो भी मेल किए थे उनका ये रिप्लाई अभी ये लेटेस्ट डेट में रिप्लाई आया है जो कि मैंने आपको बताया। अब केस से रिलेटेड क्या मैटर है उसका क्या स्टेटस है वो मैं आपको आगे बता रहा हूँ, तो उसके लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिए। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जरूर से एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके जरूर से रखिएगा। देख सकते हैं ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल वेबसाइट है और इसमें केस स्टेटस यहाँ पर ये इसका केस नंबर है और यहाँ पर आप देख सकते हैं 19/10/2023 के डेट में यहाँ पर लिस्ट किया गया था। पहले जो था इसका यहाँ पर सीरियल नंबर 17/10 का सुनवाई करने का डेट दिया गया था, लेकिन अभी जो है आपको कल के डेट में ये चेंज करके 19/10 दिया गया था। 19/10 के डेट में आप यहाँ पर देख सकते हैं सीरियल नंबर 46 यहाँ पर दिया गया। अगर 19 तारीख को सुनवाई होती तो ये जो आपका हियरिंग है 46 नंबर सीरियल नंबर पे था, तो चांस था कि इस दिन सुनवाई हो जाती 46 नंबर पर। इससे पहले जो था उससे ज़्यादा नंबर सीरियल मिला था तो सुनवाई नहीं हो पाई थी। तो अभी जो है आप देख सकते हैं सीरियल नंबर 46 यहाँ पर मिल गया था, लेकिन ये जो सुनवाई है 19/10/2023 को भी नहीं होने वाली है। इसके रिगार्डिंग जो है बिहार सरकार की जो एडवोकेट है इनके द्वारा यहाँ पर 2 वीक का और टाइम मांग लिया गया, तो अभी जो इसकी सुनवाई है अब आपको 2 वीक बाद में आपको यहाँ पर देखने के लिए मिले। इसके रिगार्डिंग ऑफिशियल अभी डॉक्यूमेंट आई है वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं काउंटर एफिडेविट जो है सरकार से मांगा गया था, तो सरकार यहाँ पर 26/8/2023 के डेट में अपना काउंटर एफिडेविट यहाँ पर फाइल कर दिए थे। निरंजना सिंह ये बिहार गवर्नमेंट की तरफ से वकील है एडवोकेट। उसके बाद रिज्वाइंडर भी फाइल कर दिया गया था पेटिशनर के द्वारा यहाँ पर 6/9/2023 और सभी कुछ हो गया था, बस सुनवाई होना था जिसका जो डेट है 19/10 को यहाँ पर मिल गया था और सीरियल नंबर 46 भी मिल गया था 19/10 के डेट में सुनवाई होता, लेकिन अभी जो ये सुनवाई है नहीं होगी। अभी आपको 2 सप्ताह का टाइम और भी यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया गया। देख सकते हैं ये ऑफिशियल लेटर है निरंजना सिंह यहाँ पर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और इनके द्वारा ये 17/10/2023 के डेट में यहाँ पर ये डेट में आप देख सकते हैं टू द रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को ये लेटर लिखा गया है जिसमें ये केस मेंशन है और यहाँ पर लिखा गया कि सर दिस इज टू इन्फॉर्म यू डैट द एवव मेंशन मैटर इज लिस्टेड बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑन 19/10/2023 द एडिशनल स्टैंडिंग काउंसिल ऑफ बिहार शैल बी सीकिंग एडजर्नमेंट फॉर 2 वीक्स ड्यू टू पर्सनल डिफिकल्टी। तो यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया गया है कि पर्सनल डिफिकल्टी के कारण से 2 वीक का समय मांगा गया है जो कि 19/10 को सुनवाई होनी है उसके रिगार्डिंग, तो 19/10 को सुनवाई होगा भी तो ये लेटर के कारण से 2 वीक का जो टाइम है वो ग्रांट हो जाएगा। अगला जो सुनवाई है अब आपको 2 वीक टाइम आगे एक्सटेंड होगा उसके बाद आपकी सुनवाई आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद ये लिखा है कैंडली सर्कुलेट दिस लेटर फॉर पर्सनल ऑफ देयर लॉर्डशिप एट माई रिस्क बिफोर होम द मैटर इज लिस्टेड।
तो यही अभी अपडेट है जो कि निकल कर का रही, जो कि मैंने आपको बताया। आगे और कोई अपडेट आती है तो मैं आपको जरूर से बताऊंगा। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट करके रखिए। टेलीग्राम और व्हाट्सअप से ज्वाइन होकर करिए। ये नोटिस पीडीएफ जो है मैं अपने टेलीग्राम या व्हाट्सअप ग्रुप में डाल दूंगा, तो वहाँ से ज्वाइन होकर करोगे तो वहाँ पर आपको ये मिल जाएगी। तो आई होप आप इसको समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया और थैंक यू। वीडियो को जरूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए।